हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू मैक में आपका स्वागत है। मैं हूँ अली और आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आप होम थिएटर का बास ट्रबल बोर्ड कैसे बना सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन्होंने मेरे होम थिएटर के वीडियो में कमेंट किया था कि बास ट्रबल बोर्ड का सर्किट दिखाइए और अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ओके, तो मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया। आप देख सकते हैं बाज में तो सिंपल एक पोटेंशियोमीटर ऐसा 22K का जॉइंट कर देना है, बाकी कुछ नहीं है। और बाज और ट्रबल के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ओके, इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, तो यह डुअल का पोटेंशियोमीटर है, आप देख सकते हैं। ये दो वही है, 22K का पोटेंशियोमीटर है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने टर्मिनल के नाम दिए A1, A2, A3, B1, B2 और B3। ओके, तो आप सिंपल डायग्राम देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ से लाइन इन होगी L और R। ओके, यहाँ पर 1K का रजिस्टर लगेगा और 1K के रजिस्टर थ्रू ये A3 में जाएगी, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के यहाँ पर आ रही है A3 और B3। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1K का रजिस्टर लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिरेमिक कैपेसिटर लगे हुए हैं दो PF। ओके, ये 103 नंबर के हैं और ये 22 की किलो ओम के आप लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 100K के लगाए हुए हैं। आप 22 के यूज़ करें तो भी अच्छा रहेगा और 100K यूज़ करें तो भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आउटलाइन मिल रही है। ओके, तो एल और आउट यहाँ से हमको मिलेगा और इसके A3 और B3 सिंपल नॉट कनेक्टेड रहेंगे। ओके, इनका कोई कनेक्शन नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऐसे ही है, कोई कनेक्शन नहीं है इनका। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा डायग्राम है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।